हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा स्थिति क्विज में। तो फ्रेंड, आज बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक स्पेशल टेस्ट पेपर लेके आए हुए हैं जो कि समान ज्ञान का है। आप सभी आज के इस टेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिए, जिसमें कि 25 क्वेश्चन रहने वाला है और टारगेट मात्र में आपको 18 क्वेश्चन का दिया जा रहा है, यानी कि 25 क्वेश्चन में आपको 18 क्वेश्चन सही करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। और देखिए, अपन आपको बताना चाहते हैं एप्लीकेशन पर अभी जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चल रहे हैं, तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन आप सभी कर सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है फ्रेंड? बी राइट आंसर है इटली देश में। देखिए, इटली देश में विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सबसे नजदीक है? ए राइट आंसर है ले जो फ्रेंड, ये हेमिस मठ के सबसे नजदीक है। याद रखेंगे आप सभी, किसके नजदीक है? हेमिस मठ के सबसे नजदीक है ले। अगला क्वेश्चन है, बिशन सिंह बेहदी किसके एक महान भारतीय खिलाड़ी हैं? ए राइट आंसर है क्रिकेट के हैं। बिशन सिंह बेहदी जो फ्रेंड, ये क्रिकेट के एक महान भारतीय खिलाड़ी हैं। याद रखेंगे आप सभी, किसके खिलाड़ी हैं? क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? बी राइट आंसर है जेके रोलिंग। फ्रेंड, जेके रोलिंग जो है ये हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक है, याद रखेंगे आप सभी। कौन है? जेके रोलिंग है लेखक, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था आर के सन्मुख सेट्ठी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड? आर के सन्मुख सेट्ठी के द्वारा किया गया था पहला केंद्रीय बजट को प्रस्तुत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसने लिखी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसने लिखी? तो इसके लेखक थे एम के गांधी। कौन थे? एम के गांधी थे फ्रेंड इसके लेखक, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्टॉपर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ए राइट आंसर है फुटबॉल से संबंधित है। स्टॉपर शब्दावली जो फ्रेंड, ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। किस खेल से? फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डस्क थिया डैश में प्रचलित गथा गीत का एक रूप, तो ये है उड़ीसा में प्रचलित है। कहां पे? उड़ीसा राज्य में प्रचलित है, याद रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, श्वेत क्रांति के जनक और मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है फ्रेंड? डी राइट आंसर है वर्गीज कुरियन को। फ्रेंड, वर्गीज कुरियन को जो है कि श्वेत क्रांति के जनक प्लस में मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध तबला वादक थे? सी राइट आंसर है फ्रेंड अल्लाह रखा। फ्रेंड, अल्लाह रखा खान जो है ये एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनीषा गुल्लानी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? ए राइट आंसर है कथक से संबंधित है मनीषा गुल्लानी। किससे? कथक से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश का ये एक शास्त्रीय नृत्य है फ्रेंड, याद रखेंगे आप सभी। इसके अलावा कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, याद रखेंगे। भरतनाट्यम कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य? तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है, याद रखिएगा। उड़ीसी उड़ीसा का है। इसके अलावा दो लोक नृत्य याद रखिएगा जो कि बहुत ही फेमस है केरल का। केरल का कौन कौन सा है? एक है कथकली और एक है मोहनी अट्टम। कथकली मोहनी अट्टम जो कि केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। लोक नृत्य नहीं कहेंगे, शास्त्रीय नृत्य, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है फ्रेंड? तो देखिए, टाइगर वुड्स जो संबंधित है ये गोल्फ से संबंधित है। किस खेल से? गोल्फ से संबंधित है, याद रखेंगे। किस खेल से? गोल्फ से संबंधित है टाइगर वुड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है फ्रेंड, ये फिल्म निर्देशन
क्षेत्र से संबंधित है सत्यजीत रे। अगला प्रश्न देखिए, गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है, गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है, तो यह संबंधित है द्रोणाचार्य से। किससे संबंधित है फ्रेंड, द्रोणाचार्य से संबंधित है। बी राइट आंसर रहेगा आपका, बी राइट आंसर रहेंगे द्रोणाचार्य से संबंधित है। किससे, द्रोणाचार्य से संबंधित है फ्रेंड, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर ध्रुव ज्योतिष घोष डैश से जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए पारिस्थितिकी से। डॉक्टर ध्रुव ज्योतिष घोष जुड़े हुए फ्रेंड, किससे जुड़े हुए हैं, पारिस्थितिकी से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले एशियाई महासचिव कौन थे। देखिए फ्रेंड, आप सभी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एक क्लास को तैयार करने में, तो आप सभी लाइक करके प्यार अपना जरूर दीजिएगा। तो सी राइट आंसर है यूथांट फ्रेंड, यूथांट जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले एशियाई महासचिव हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र डैश में स्थित है। क्वेश्चन का लेवल आपको देख के पता चल गया, क्वेश्चन किस हिसाब से सेट किया गया है, वही प्रश्न सेट किया गया जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यह किया गया फ्रेंड हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा आप सभी, कहां पे किया गया है, हिमाचल प्रदेश में किया गया है संस्कृति सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र को। अगला क्वेश्चन देखिए, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं, भाला फेंक से जुड़े हुए नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गंगा सागर मेला प्रत्येक वर्ष 13 से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति के अवसर पर किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है पश्चिम बंगाल राज्य में। किस राज्य में मनाया जाता है फ्रेंड, ये पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। देखिए यहाँ का प्रमुख जो त्यौहार त्यौहार में जो आते हैं वो दुर्गा पूजा सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न देखिए, अवेस्ता जिसे जेड अवेस्ता भी कहा जाता है किस की एक पवित्र पुस्तक है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फारसी धर्म का है अवेस्ता जो फ्रेंड, ये फारसी धर्म का पवित्र पुस्तक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है बौद्ध धर्म का विनय पीठक है, जैन धर्म का 12 अंग है और यहूदी धर्म का 13 है। विनय पीठक बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक है, 12 अंग जैन धर्म का पवित्र पुस्तक है, 13 जो है यहूदी धर्म का पवित्र पुस्तक है और अवेस्ता फारसी धर्म का पवित्र पुस्तक है। यही चार धर्म से एक पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नोट की भाषा सूची पर कितने भाषाएं हैं, तो कुल 15 भाषाएं, याद रखिएगा आप सभी, कितने भाषाएं हैं, कुल 15 भाषाएं, स्क्रीन पर शो हो रहा है आप सभी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है, ए राइट आंसर है कौटिल्य को। फ्रेंड कौटिल्य को जो कि भारतीय मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, अरविंद अडिगा को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित मेन बुकर पुरस्कार मिला था फ्रेंड, सी राइट आंसर है द व्हाइट टाइगर के लिए। फ्रेंड द व्हाइट टाइगर के लिए अरविंद अडिगा को जो है प्रतिष्ठित मेन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसे, अरविंद अडिगा को। पुस्तक कौन सा है, द व्हाइट टाइगर है, याद रखेंगे, ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलकाता में ईडन गार्डन एक स्टेडियम है, तो ये एक क्रिकेट का स्टेडियम है फ्रेंड। कोलकाता में ईडन गार्डन जो स्टेडियम है ये किसका स्टेडियम है, तो क्रिकेट का स्टेडियम है, ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त डैश है, बी राइट आंसर है एक मिट्टी का बर्तन प्रयुक्त है, बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, एलिफेंटा की गुफा किस देवता को समर्पित है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, चार ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा, तो क्लास को आप सभी जरूर लाइक कीजिएगा, अपना प्यार आप सभी जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।